राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों में 31 दिसंबर 2023 तक हुई रिक्तियों को लेकर आगामी 23 जून और 1 जुलाई को उपचुनाव करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आज प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के 47 जिलों में उपचुनाव करवाए जाएंगे। ये जो चुनाव अभी हम करा रहे हैं तो पंचायती राज संस्थाओं में 47 जिलों में 6 जिला परिषद सदस्य, 22 पंचायत समिति सदस्य, 40 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों एवं 37 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच तथा 325 वार्ड पंचों एवं नगरीय निकायों में 11 जिलों के 15 नगरीय निकायों के 11 वार्ड पार्षदों, 2 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सभापति और 1 उपसभापति के चुनाव कराए जा रहे हैं। 50 जिले जो है उनमें से 47 जिलों में कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, नगर निकाय का या पंचायती राज का। तो ये पहली बार हम चुनाव करा रहे हैं। नए जिलों में जो एक हमारे लिए प्रश्न था वो ये भी था कि बैलेट बॉक्स और ईवीएम पुराने जिलों से मंगाए जाएं, तो वो हमने जिला कलेक्टर महोदय जो नए जिलों के हैं उनको ही ऑथराइज किया कि आप यथासंभव जिन जिलों से आपके ज़िले बने हैं उनसे ईवीएम या बैलेट बॉक्स जितने आप आवश्यकता अनुसार मंगाना चाहें मंगा लें। जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं नगर पालिकाओं के और पंचायती राज संस्थाओं के लिए, उसके लिए भी हम आकलन कर रहे हैं। बैलेट बॉक्सेस जो रिपेयर योग्य हैं उनकी रिपेयर भी करा रहे हैं।